जैसा कि इस ज्ञान वेला की पूर्व भाग में मैं करतल में प्रधान सात रेखा और छोटी रेखाओं के रूप में सबसे पहले संतान रेखा के विषय में आपको संतान रेखा के लक्षणों से अवगत करा रहा था, क्योंकि आप जानते हैं कि जीवन में वंश की वृद्धि के बिना अर्थात ब्रह्मा की सृष्टि के बिना संसार की गति आगे नहीं चलती है। ब्रह्मा की सृष्टि में जब मानव सम्मिलित होता है, सहयोगी बनता है, तो अपने जीवन काल में विवाह करता है और विवाह के फलस्वरूप संतान उत्पत्ति होती है जो उस जातक के वंश की वृद्धि का सूचक होती है। और वह संतान जो मनुष्य के जीवन के तीन ऋण हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, उनको पूरा करते हैं। संतान के अभाव में ये तीनों ऋण अधूरे रह जाते हैं, जिससे गरुड़ पुराण के अनुसार जातक को मोक्ष प्राप्त नहीं होती। इसी मोक्ष प्राप्ति के लिए या अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जातक के हाथ में जो लाइफलाइन है, जिसे हम स्वास्थ्य रेखा के नाम से भी पुकारते हैं तथा पितृ रेखा के नाम से भी पुकारते हैं, इस स्वास्थ्य रेखा के समानांतर, इस रेखा के समानांतर एक रेखा होती है मंगल रेखा। आप देखते हैं ये मंगल रेखा हमारी लाइफलाइन के साथ साथ ये पैरेलल चलती है, जो इस स्वास्थ्य रेखा के या लाइफलाइन के दोषों की या कमियों को पूरा करने वाली होती है। अर्थात यदि जिस जातक के हाथ में ये मंगल रेखा निर्दोष, चमकीली, गहरी, लाल रंग की मिलेगी, तो उस जातक के स्वास्थ्य लाइन में, लाइफ लाइन में किसी भी प्रकार के दोष हैं, उन दोषों को भी समाप्त कर देगी। इसलिए ये रेखा बहुत ही प्रभावशाली होती है, जिसे हम मंगल रेखा के नाम से पुकारते हैं। और इस मंगल रेखा के अनेक प्रकार के लक्षण जातक के हाथ में देखने को मिलते हैं। यदि ये मंगल रेखा हमारी जीवन रेखा के साथ साथ निर्दोष पूर्ण रूप से चल रही है, जो गहरी है, चमकीली है, पतली है, लाल रंग की है, तो वह अनेक प्रकार के शुभ लक्षणों का कारक है, जिसके फलस्वरूप जातक अपने मन में बहुत ही प्रसन्नचित रहता है और स्वास्थ्य से संबंधित अनेक कष्टों परेशानियों का स्वतः ही निवारण होता रहता है। यदि यह रेखा भाग्य रेखा से मिलकर और इसमें से दो या और शाखाएं निकल जाएं, जिनमें से वे शाखाएं एक माइंड लाइन को काटे और आगे काटती हुई आगे बढ़ जाए, तो ऐसा जातक अपने जीवन काल में मानसिक तनावों से पीड़ित रहता है। ऐसा जातक यदि मंगल रेखा में से, यदि मंगल रेखा अपने उद्गम स्थान से निकलकर वह भाग्य रेखा लक लाइन में मिले और इस मंगल रेखा में से कोई दूसरी शाखा निकलकर
माइंड लाइन को, मस्तिष्क रेखा को काटे और काट कर आगे तक निकल जाए, तो ऐसा जातक मानसिक तनावों से पीड़ित रहता है, अनेक प्रकार की पीड़ाओं से पीड़ित होने के कारण से वह अपने दैनिक कार्यों को विधिवत रूप से करने में सफल नहीं होता। इसलिए ये रेखा हमको मानसिक तनावों से पीड़ित करने वाली मंगल रेखा में से जो छोटी रेखा हृदय रेखा को, माइंड लाइन को स्पर्श कर रही है, वह मानसिक तनाव देने वाली होती है। इसी प्रकार से यदि मंगल रेखा की कोई शाखा, कोई भी उसमें से दूसरी निकली हुई लाइन वह गुरु पर्वत तक चली जाए, तो वह जातक बहुत सी लालसाओं का लोलुपी बन जाता है। अर्थात वह अपने जीवन में अनेक प्रकार की लालसाओं को पैदा करता है और उस लोभ और लालच में सदैव लगा रहता है। आप अपने जीवन में दो शब्द सुनते हैं, एक होता है लोभ और दूसरा होता है लालची। लोभ उसे कहते हैं जिस लोभ में व्यक्ति अपने द्वारा कमाए हुए धन को किसी दूसरे को नहीं देता है, स्वयं ही उसका उपभोग करता है, वह व्यक्ति लोभी व्यक्ति कहलाता है। दूसरा होता है लालची, जो अपने परिश्रम से या बिना परिश्रम से प्राप्त धन को अपने पास रखता है और अपने धन को तो वो खर्च करता ही नहीं, पर दूसरों के धन का प्राप्त करने की सदैव उसके मन में भावना बनी रहती है और दूसरों से भी धन प्राप्त करता रहता है और उस धन को किसी के ऊपर खर्च नहीं करता, ऐसा व्यक्ति लालची कहलाता है। ये लोभ और लालच की कथा बड़ी आनंददायक, जो फिर कभी प्रसंग में आपको सुनाऊंगा। इस समय एक ही है कि हमारी मंगल रेखा में से कोई भी शाखा निकल करके यदि गुरु पर्वत तक जाती है तो वह व्यक्ति बड़ा लोभी लालची होता है। ऐसे व्यक्तियों से, ऐसे जातकों से सामान्य पुरुष को सावधान रहने का संकेत मिलता है। इसी प्रकार से यदि मंगल रेखा में से कोई भी शाखा निकलकर सूर्य रेखा तक पहुंचती है और वह सूर्य रेखा से आगे निकल जाती है, तो ऐसे जातक अनेक समस्याओं से ग्रसित रहते हैं, अनेक प्रकार की पीड़ाओं से पीड़ित रहते हैं और ऐसे जातक कष्ट पीड़ाओं का सामना करते हुए अपने दैनिक कार्यों को विधिवत रूप से नहीं कर पाते। अर्थात यदि मंगल रेखा में से कोई छोटी रेखा, दूसरी शाखा सूर्य रेखा को स्पर्श करे अथवा सूर्य रेखा को पार करके आगे बढ़े, तो वह जातक अनेक प्रकार की पीड़ाओं से पीड़ित रहता है, जिसके कारण से वह अपने दैनिक कार्यों को विधिवत रूप से सफलता के साथ में नहीं कर पाता है और उसकी असफलता का कारण उसके दिमाग में सदैव बना रहता है, जिससे वह जातक डिप्रेशन में चला जाता है। इसी प्रकार से यदि मंगल रेखा से निकली हुई कोई भी शाखा, हार्ट लाइन माइंड हृदय रेखा को यदि स्पर्श करती है, तो ऐसे जातक बहुत ही संवेदनशील होते हैं और उदार होते हैं, दयालु होते हैं तथा शीघ्र ही दूसरे व्यक्तियों का विश्वास करने वाले होते हैं, और जब दूसरों का बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं
तो उनके जीवन काल में अनेक प्रकार के विश्वासघात होते रहते हैं और हर विश्वासघात को सहन करने के बाद मन में दृढ़ संकल्प करते हैं कि आज के बाद अब ऐसा कभी विश्वास नहीं करूंगा नहीं करूंगा। लेकिन फिर जैसे ही परिस्थिति आती है तो वो अपनी संवेदनाओं के कारण से, अपने दया के भाव के कारण से और परोपकार की भावना से उन्हें वह दूसरों का विश्वास करते हैं और विश्वास करने के साथ साथ विश्वास से पीड़ित होते रहते हैं। जब अनेक हाथों का परीक्षण करने के बाद इस तथ्य को मैंने देखा और उन जातकों से बार बार संकेत करने पर बार बार उनके इस विश्वासघात के रूप को सुना तो मन में बड़ा विलक्षणता पैदा हुई कि मैं कहता हूं कि व्यक्ति कभी बलवान नहीं होता, उसका ग्रह योग, उसके हाथ में बनी हुई रेखाएं अपने जीवन काल में अर्थात उनके जो समय है उद्दीप्त होने का, रेखाओं का उद्दीप्त होने का समय काल में वह जातक को अपने गुणों अवगुणों के अनुसार फल देती हैं जिनका जातक को अनुकरण करना पड़ता है, वशीभूत होकर कार्य करना पड़ता है और अनेक प्रकार का वह पश्चाताप करता रहता है। इसी प्रकार से यदि मंगल रेखा स्वच्छ हो, पतली हो, गहरी हो, अभंग हो, टूटी हुई नहीं हो और वह उद्गम स्थान से जीवन रेखा के समानांतर चल रही हो तथा ऐसा व्यक्ति युद्ध क्षेत्र में अपने विरोधियों के सामने बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रहता है और युद्ध क्षेत्र में अपना पराक्रम दिखाता है और उस पराक्रम को पूरा करने के लिए वह जातक अपनी दक्षता के साथ में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र और उनका प्रयोग दक्षता पूर्वक करता है अर्थात निपुण युद्धकर्ता होता है। ऐसे जातक आर्मी में विशेष रूप से बहुत ही वीर योद्धा के नाम से पुकारे जाते हैं। इसी प्रकार से और वीर योद्धा के नाम से पुकारे जाने के फलस्वरूप उनको उनके पराक्रम के फलस्वरूप आर्मी में वे उच्च पदाधिकारी होते हैं अर्थात आर्मी में कोई बड़े अफसर बनते हैं और उनके अफसरों का की दिशा निर्देशन के अनुसार अन्य सैनिक गण उनका अनुकरण करते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं और उनको मान सम्मान प्रतिष्ठा देते हैं जिससे ऐसे जातक बहुत ही दूसरों के लिए पुरुषार्थी के रूप में और पराक्रम के रूप में सैनिक के जितने भी जातक हैं जो सेना में भर्ती हैं उनके लिए प्रेरणा स्वरूप होते हैं। यदि मंगल रेखा के अंदर दोषपूर्ण हो और यदि मंगल रेखा दोषपूर्ण हो अर्थात उसके अंदर कई प्रकार के दोष हों अर्थात उसके अंदर दीप हो, कटी हुई हो, छोटी अधोरेखाओं से कटी हुई हो या क्रॉस या अन्य प्रकार के ब्लैक स्पॉट जैसे कोई भी दोष हों तो ऐसे जातक विशेष रूप से असामाजिक, अराजक और हत्यारे, निर्दयी, डाकू, अपराधी तथा क्रूर कार्य करने वाले होते हैं और वे अपने जीवन काल में क्रूर कार्य करके अपयश को प्राप्त करते हैं और उस अपयश के फलस्वरूप वह अपने क्षेत्र में या सामाजिक स्तर पर
या देश स्तर पर अपयश का नाम प्राप्त करते हैं और सांसारिक प्राणियों को भयभीत करते हैं। इस प्रकार के जातकों से हमको सावधान रहना बहुत ही आवश्यक होता है। ऐसे जातकों जिनकी मंगल रेखा अनेक प्रकार के दोषों से दूषित होती है, अनेक प्रकारों के दोषों से युक्त होती है, ऐसे जातकों से का समाधान कर परिहार करने के लिए बहुत से आपको आगे मैं इनके परिहार बतलाऊंगा या इस प्रकार के का कुछ प्रयोग बतलाऊंगा जिनका जीवन उनके करने से बदल जाता है और जातक अपने मन में बड़ी विलक्षणता के साथ में शांति का अनुभव करता है। ऐसी शांति के साथ में आप सबका और सबका कल्याण हो। कल्याणम अस्तु।